सो गाइस, मैच देखना भी कुछ एक डेढ़ घंटे से शुरू ही करा था, पर अब क्या देखने को मिल रहा है, 155 पे सिर्फ दो आउट थे पाकिस्तान के, अब 191 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की, और चोकर्स बोलते हैं साउथ अफ्रीका को भाई, इसको कहते हैं चोक करना है। एक विकेट गई तुम्हारी, बाबर आजम तो खेलते ही अपने रिकॉर्ड के लिए नंबर वन पे रहने के लिए 50 बनाई, बस अगली बॉल पे अजीब शॉट खेलता वो आउट हो गया। पता नहीं लोग फिर भी कैसे उसको सपोर्ट करते हैं, इतना मस्त कैप्टन था इनके पहले वाला सरफराज, उसको निकाल के बाबर आजम को बनाया, तब से बेड़ा गर्क की हो रखा है टीम का। पर चलो खैर, हमारी टीम जीतने वाली है, पर हम पहले सेलिब्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि 200 का ही टारगेट था ऑस्ट्रेलिया का, तब दो स्कोर पे तीन आउट हो गए थे, वो तो हमारे केएल राहुल और विराट कोहली बचा के ले गए, जरूर थोड़ी हर बारी वो चलेंगे। पर मैं जैसे खाने पीने का सामान लेके आया था और भी काफ़ी कुछ लाया था, मुझे लग नहीं रहा उतना मैच चलेगा, पर देखते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा तो हमारी रन रेट ही बढ़िया होगी, बाकी देखते हैं कैसे रहता है मैच। ओ शॉट, शुभमन गेंद, वेरी गुड, बहुत लंबा पैर निकाला भाई साहब, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि शुभमन गिल किसी बीमारी से उठ के खेलने को आ रहा है, बैक टू बैक तीन चौके मारे भाई इस ओवर में, मजा आ गया देख के। और शाहिद अफरीदी का डर तो विराट कोहली ने उस वर्ल्ड कप में निकाल दिया था जिसमें दो छक्के मारे, ओ बच गया, रोहित शर्मा की कैच बस एक कदम आगे गिर गई, ज़्यादा दिखा नहीं सकते भाई, कॉपीराइट आ जाता है मेरे, बहुत हॉटस्टार वालों के कॉपीराइट आ रखे हैं, तो इस वजह से नहीं मैं दिखाना चाह रहा। पर जो शाहिद अफरीदी का एक खौफ था ना कि हाँ लेफ्ट आर्म बॉलर है, अंदर लेके आता है बॉल, इसका सारा डर विराट कोहली ने उसी वर्ल्ड कप में निकाल दिया था, अब हवा रह गई थी इसकी, बहुत मारते हैं अब तो इसको बैट्समैन, इसी को टारगेट करते हैं सबसे ज़्यादा। चलो मज़ा आ रहा है, ऐसे ही रात इजीली जीत जाएंगे, 170 स्कोर बनाने हैं 48 ओवर्स में, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, 23 स्कोर पे अब एक आउट हो चुका है, गिल आउट हो चुका है 11 बॉलों पे 16 स्कोर मार के, कट मार रहा था सीधा शादाब खान के हाथों में कैच दे दिया, चलो कोई बात नहीं यार, इसको तो मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, बेचारा डेंगू से उठ के कितना खेलने आया है, वो ग्राउंड में 50 ओवर फील्डिंग करी है, शरीर थक जाता है यार, हम रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकते डेंगू के बाद, और फिर भी चलो आउट होके वापस जा रहा है। सो गाइस, जीत तो गई इंडिया बहुत इजीली, पर क्या फ़ायदा ऐसे मैच का, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, जीतने की खुशी बहुत है, ये जीत गया इंडिया पाकिस्तान का मैच, पर जो मैं खाने पीने का लेके आया था वो वेस्ट किया बेचारे, जो हॉस्पिटल के बेड बुक करा के अहमदाबाद में पड़े हैं मैच देखने के चक्कर में, जब तक वो घर से निकले होंगे तब तक तो ऑल आउट हो गई होगी पाकिस्तान, मज़ा नहीं है ऐसे मैच में, मैं जब तक एज तक नहीं जाता ना, कम से कम 300 का टारगेट होना चाहिए था, मज़ा आता, बेचारे जो ग्राउंड में देखने गए इतना पैसा खर्च करके, माँ से जीत करके वही इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे हम, तो सब निकल गया वह। आप लोगों के लिए रिस्क लेके एक बार ऊपर से दिखाऊं व्यू अपने ये मोरिंडे का, चलो चलते हैं, सब कुछ हो गया ना भाई साहब, मुआवजा डलवा देना मेरे माँ बाप के खाते में जितना बनता हुआ, पर चलो पहुँच गए, दिखाता हूँ आपको, मस्त भी आता ऊपर से, देखो सनसेट हो चुका है, पर देखो क्या मस्त व्यू है, वहाँ एक मंदिर नया बना है, ये भजन चलते रहते हैं इसमें भाई, बाकी जगह तो बंद हो जाते हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए, यहाँ नहीं बंद होते, ये तो चलते ही रहते हैं भाई, अब इन लोगों की छत पे भी जा सकते हैं हम, पास में ही है, ये कौन सा लोग रहते हैं, फिर कभी ट्राई करूँगा पर अभी नहीं। और नीचे देखो यहाँ चूल्हे की रोटी पक रही है छत पे, यही तो मज़ा है गांव का, अब शहरों के बच्चों से पूछ लो चंडीगढ़ दिल्ली मुंबई की चूल्हे की रोटी का ये नहीं खाई, ये चूल्हे की रोटी खाने को भी ना अगर आप ढाबे पे जाएंगे 50-60 रुपये देते होंगे चूल्हे की रोटी के नाम पे, इसका स्वाद अलग है, ये थोड़ी ना कि घर की तरह तुम बैठे रहो मम्मी एक एक देने आ रही है, ऐसा नहीं, चूल्हे के पास बैठो अपना साग वगैरह जो भी सब्जी बनी है डाल के, फिर उसके बाद एक एक सीखती रहेगी, एक एक आपके पास आती रहेगी, ऐसे बनती है चूल्हे वाली रोटी तो मज़ेदार, पहले तवे पे करते हैं फिर जैसे अच्छे सेकने के लिए वो उसके जो आग जल रही थी उसके पास लकड़ी पे लगा देते हैं, मस्त बनता, अलग ही टेस्ट आता है। पर चलो खैर,
इंडिया की विजय हुई और हमारा दिन बढ़िया रहा। फिर खुशी होती है अगर इंडिया जीत गई तो। अगर इंडिया मैच गलती से 1% हार जाती तो फिर अगले मैच तक टेंशन रहती है, अब क्या फाइनल तक टेंशन रहती है। अभी जीत गई ना ऑलमोस्ट, अब तो पहुंच ही गए सेमीफाइनल में, अब ये मान लो। तो चलो अब कर देते हैं इस ब्लॉग को यही एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू।